जुलाना विधानसभा क्षेत्र में होगी जननायक जनता पार्टी की पहली चुनावी रैली। जुलाना क्षेत्र में जननायक जनता पार्टी की पहली रैली होने जा रही है। 2024 के चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। ऐसे में प्रदेश में भाजपा व जजपा की सरकार चल रही है, लेकिन चुनावी दौरे को देखते हुए दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी गोटियां फिट करने में लगी हैं, जिसको लेकर जननायक जनता पार्टी ने सभी लोकसभा क्षेत्र में अपनी चुनावी रैली करने का ऐलान किया है। ऐसे में सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में जुलाना विधानसभा क्षेत्र की पहली रैली 2 जुलाई को जुलाना की नई अनाज मंडी में की जाएगी, जिसको लेकर जुलाना के विधायक कमरजी ढांडा, जननायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कृष्ण राठी व प्रदेश के वरिष्ठ नेता केसी बांगड़ सहित अन्य नेताओं ने रैली स्थल का दौरा किया तथा जायजा लिया। इस दौरान नेताओं ने कहा कि आने वाला समय जननायक जनता पार्टी का होगा। वहीं जुलाना विधायक अमरजीत ने बताया कि 2 जुलाई को जुलाना की जननायक जनता पार्टी की रैली नई अनाज मंडी में होने जा रही है। इसके लिए जिला अध्यक्ष कृष्ण राठी व वरिष्ठ नेता केसी बांगड़ के साथ अन्य जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने नई अनाज मंडी का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का स्वागत के लिए जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने आगे बताया कि जितने भी पिछले 3.5 साल में उनके द्वारा कार्य किए गए हैं उनको लेकर यह उनकी परीक्षा है और पेपर देने का समय उनका आ गया है। दो जुलाई को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी की सोनीपत लोकसभा क्षेत्र को लेकर के एक जनसभा यहाँ पर है, जो कि जुलाना में रखी गई है। और जननायक जनता पार्टी की चौधरी देवलाल की विचारधारा को, जिसके आधार पर जननायक जनता पार्टी चल रही है, उन विचारों को जन जन तक पहुँचाया जा सके और आने वाले चुनावी वर्ष लगभग शुरू हो गया है लोकसभा के लिए, तो अप्रैल या मई 2024 में जो चुनाव है उसकी तैयारी हेतु जननायक जनता पार्टी ये लोकसभा क्षेत्र की पहली रैली करने को जा रही है और 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र में इस तरह से लोकसभा क्षेत्र की रैलियां करने का काम करेंगे। और पार्टी को मजबूत करने के लिए, पार्टी के कामों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, चोर देवलाल की नीतियां सफल हो सकें इसके लिए भरपूर प्रयास दुष्यंत चौटाला जी भी कर रहे हैं। जननायक जनता पार्टी का संगठन से जुड़ा हुआ हर साथी इसमें अपना योगदान देने का काम कर रहा है, तो आज हम उसकी तैयारी के लिए एक बैठक हमने हमारे माननीय विधायक जी और जिलाध्यक्ष कृष्ण राठी जी इनके साथ मिलकर के योजना बनाने के लिए आज हम यहाँ पधारे हैं और 2 जुलाई को एक बहुत बड़ी रैली आपको देखने को मिलेगी और आप भी आए, आपका भी धन्यवाद। सर, कितनी गैदरिंग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है? अभी तो जायजा लेने के लिए आए हैं, व्यवस्था करेंगे, अभी व्यवस्था भी करेंगे, सारी चीज़ भी बताएंगे, आपसे शेयर भी करेंगे। और तो पहली विजिट है, इसका आकलन करने आए हैं, रैली किस स्थान पर होनी चाहिए उसका मंडी का जायजा लेने के लिए आ जाए। आज मंडी में 2 तारीख की रैली करने जा रहे हैं डिप्टी सीएम साहब और डॉक्टर अजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे यानी सांसद प्रदेश रंजन लत्याणी जी, बस के सी बांगड़ जी और कृष्णाठी जिला प्रधान और सारे जुलाने मौजूदा वर्कर भी घर के फैमिली सदस्य भी। तो 2 तारीख को पूरे जोश के साथ 2 जुलाई को डिप्टी सीएम साहब और डॉक्टर अजय सिंह का पूरी पार्टी का स्वागत करने के लिए सारी टीम तैयार है और हंग लाए गए रैली करने पूरा जनसभा करना है। जितने भी 3.5 साल में विकास कार्य किए हैं, जो लोगों की मुख्य मुख्य मांग थी उसमें उन्हें कहते हैं पेपर देना है तो पेपर दिएगा ही 3.5 साल का। सभी नेतृत्व में काम करे, जनहित के सामने काम करे और उसके नेतृत्व में डिप्टी सीएम साहब का, राष्ट्रीय अध्यक्ष चौटाला जी का, प्रदेश निशान सिंह जी, पूरी पार्टी का धन्यवाद भी करेंगे और पूरे जोश के साथ यहाँ पर तिरंगा लगाएंगे। जो मांगे अधूरी हैं उन्हें पूरा करना काम करेंगे। भाई दोस्तों, जिनने वीडियो नहीं देखी हो, वीडियो देख लो, नीचे फोटो होगी उसे क्लिक कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।